हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर रिव्यू वीडियो। सो आज मैं शेयर करूँगी जेड सनस्क्रीन के बारे में अपना ऑनेस्ट रिव्यू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। सो ये है जेड सनस्क्रीन, प्राइस है इसके 750, ओरिजिनल प्राइस इसके 750 हैं, बट अभी इनकी वेबसाइट पर सेल चल रही है तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा। तो मुझे जो इस सनस्क्रीन का बेस्ट पार्ट लगा वो ये कि इसमें हेलोरोनिक एसिड है। हेलोरोनिक एसिड हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, डीपली हाइड्रेट करता है और हमारी स्किन के लिए हेलोरोनिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पैक किया और इसके अंदर SPF 50 है जो हमारी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन आप कोई भी यूज़ करें, 2 घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं करता, तो 2 घंटे बाद आपने लाजमी इसका टचअप दोबारा करना है। इसकी कंसिस्टेंसी लुक लाइक दिस, बहुत ही क्रीमी से इसकी कंसिस्टेंसी है और इस पर मेंशन है कि ये ऑयली स्किन टाइप के लिए है। आई हैव ऑयली स्किन, सो मुझे इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि अगर मैं ये सनस्क्रीन लगाने के बाद कोई फाउंडेशन या थोड़ा सा बहुत मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन पर जो वो एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, बट अगर मैं सिर्फ ये सनस्क्रीन अप्लाई करूँ तो मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहती है। एज यू कैन सी इसके कोई वाइट कास्ट नहीं है, ये बिल्कुल ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा वाइट कास्ट नहीं है जो हमारी स्किन को एकदम से वाइट और चिट्टा बना देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इजीली इसको अप्लाई करने के बाद अपना फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑयल स्किन टाइप के लिए, बट मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे इसके ऊपर मेकअप सूट नहीं करता, अदरवाइज़ ये मेरी स्किन पर सूट किया है। ड्राई स्किन वाली गर्ल्स भी इसको यूज़ कर सकती हैं और नॉर्मल स्किन वाले भी। इसको लगाने के बाद आप मेकअप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। सनस्क्रीन हमारी जो स्किन है उसके लिए मस्ट है। हम लोग सनस्क्रीन को बिल्कुल एंड पे रखते हैं कि नहीं, देखा जाएगा लेंगे या नहीं लेंगे, बट ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सनस्क्रीन हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमें लाजमी यूज़ करना चाहिए, भले हम कहीं घर से बाहर जाएं या ना जाएं। किचन में तो जाना लाजमी होता है, तो जब हम किचन में भी जाते हैं तो हमने लाजमी सनस्क्रीन वेयर करना है, क्योंकि ये एक अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अफोर्डेबल है और मार्केट में आपको काफ़ी सारे सनस्क्रीन मिल जाएंगे, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, टोटली रिकमेंडेड ये वाला सनस्क्रीन। बट इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा ऑयल स्किन तो आप वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें, उससे आपके स्किन पे एक्स्ट्रा ऑयल नहीं आएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, मार्केट में काफ़ी सारे सनस्क्रीन अवेलेबल है, बट प्लीज़ वो वाला सनस्क्रीन नहीं लें जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट कास्ट होती है, बहुत बुरा लगता है। वो हल्का सा टिंटेड हो वो सही रहता है, बट जिसमें बहुत ही ज़्यादा वाइट कास्ट हो वो वाला सनस्क्रीन बिल्कुल भी पिक ना करें। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट जेड सनस्क्रीन। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। कुछ पूछना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।